आज इधर थोड़ा 25 जनवरी 2011 है। यहाँ हम गुलजारी होटल तक आ चुके हैं। गुलजारी होटल शिव मोहन मौर्या, शिव कुमार शर्मा मिस्त्री जो हैं, आज हम लोग डलमऊ जा रहे हैं और संभवतः हिंदुस्तान अखबार में कल मैंने दे दिया था। तो आज हम लोग बंदर भोज बाल भोज वहीं कर लेंगे, डलमऊ में जा कर के गंगा स्नान भी हो जाएगा और वहां से हम लोग वापस आएंगे। चार लोग जा रहे हैं, शिव मोहन मौर्या जो कैमरे से अभी बना रहे हैं और शिव कुमार आपके हैं शर्मा वो गुलजारी, तो और मैं, तो हम लोग चार आदमी जा रहे हैं। और यहाँ भंडारा जो हुआ था इनका चैनानी और राजेंद्र अवस्थी का घंटाघर चौराहे पर, तो उन्होंने कल परसों रात में काफ़ी पूड़ियाँ हमको दी थी, तो थोड़ा पूड़ी हमने बचा लिया था। ये पूड़ियाँ उनकी यहाँ की, ये सब जा रही हैं डलमऊ बंदरों के लिए। लेकिन हमारा कई बार जगदीश चैनानी से मैंने कई बार कहा, सुधीर नंदवानी से कहा, लेकिन आज के ज़माने में इतना अंधा समाज, जबकि सुधीर नंदवानी थोड़ा हम लोगों में घुल मिल गया है, वो जानता है, चैनानी तो राजा आदमी है जगदीश चैनानी, लेकिन संस्कार नहीं है। अभी उनको संस्कार उनके अंदर डालना पड़ेगा। अब संस्कार डालने वाले भी नहीं उनको बता पा रहे हैं। देखिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा, भोलेनाथ की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा अगर कुछ है वो भोज है। अमरनाथ के नाम से जो हम भंडारा करते हैं, चिल्लाओ नहीं, अमरनाथ के नाम से जो हम भंडारा करते हैं वो करते हाँ कीजिए आप, लेकिन यहाँ शहर में आके करते हैं वो 1000 बार की आप करें और 1 बार आप केवल बंदर को खिला दें और बच्चों को दे दें। तो बाल भोज और बंदर भोज यहाँ टेप हो रहा है, तो बंदर को नहीं कोई जल्दी खिलाता और खिलाएगा पूरी ले जाओ। तो हमने सुधीर नंदवानी से कहा कई बार कि ए सुनो, अखबार लेते आना, आज वाला अखबार भूलना नहीं। तो कई बार कहा, देखिए जो बंदर खाता है वो खिलाइए, हमको मिर्चा नहीं पसंद है, मिर्चा आप हमको हमारे मुंह में ठूंसे दे रहे हैं और आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं, तो इससे अंधा समाज और क्या होगा। क्योंकि हमारे यहाँ साधु सन्यासी पंडित पठान जो भी हैं, अरे पंडित जी तो खैर हम उसी खानदान में हम भी पैदा हुए हैं, पंडित जी कहे जाते हैं, उन लोगों ने कभी सेवा की नहीं बात किया, ना ना, केवल 2 बात बताते हैं, क्या पूजा करो, भंडारा करो और जो तेरे जेब में हो हमारी झोली में डाल दो, यहाँ चढ़ाओ यहाँ चढ़ाओ। यही कारण है कि आज हमारा धर्म जो है वो अपने रास्ते से हट चुका है। यही सामने जो शिव कुमार अभी रोटी तोड़ रहे हैं, इनको मैंने बड़े मंगल में देखा कि बाल्टा में पानी भर रहे हैं, सुबह नहा धो के, बहुत सफाई पसंद आदमी है, हमने इसको पंडित की टाइटल दे दिया है, पंडित शिव कुमार इनको हमको कहना पड़ेगा। तो कर्म से आदमी ब्राह्मण होता है, जात से नहीं होता है, ये सफाई पसंद आदमी है। तो अब रोटी जो है हम लोग अभी बंदर को देंगे, बंदर रोटी ज़्यादा पसंद करता है, बंदर पूरी खाते बहुत कम खाएगा, थोड़ा खाएगा बेमन बेमन। तो हमारा मतलब है कि हम सुधीर नंदवानी से, जगदीश चैनानी से, राजेंद्र अवस्थी से, उनकी सारी टीम से मैं ये कहूँगा कि भैया हमको भीगा चना या तो दे दिया करो भंडारे में, और या आटा पूरी के लिए आदमी सानता है, हमको सना हुआ आटा दे दो गोली बना कर, हम वो खेल, लेकिन पूरी हमको मत दो, पूरी बस्ती है ओ बच्चों में दे दो, गरीबों में बांट दो, क्यों किसी चीज़ को बर्बाद करते हो। तो कहने का मतलब है कि जो सही काम है वो हम आप नहीं करते। 1000 बार आप अमरनाथ बर्फानी के नाम से जो पब्लिक में भंडारा करते हैं रायबरेली के अंदर, वहाँ की बात अलग है, 1000 बार। नेशनल हाईवे पर हम खड़े हैं ना, इसलिए गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, शोर बहुत हो रहा है,
और एक बार अगर आप बंदर को खिला देते हैं एक बार, तो उसका फल उतना ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारी बात आप लोगों के दिमाग में इसलिए नहीं आती है कि क्योंकि समाज में ऐसा कोई करते नहीं। समाज में तो वो भोले के, अरे भोले के नाम से आप उनको खिलाते हैं जिनके पेट में खाना है, आप उनको खिलाइए जिनके पेट में खाना नहीं है। जो भोलेनाथ से जुड़े हैं, जैसे नंदी है, बंदर है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये हनुमान जी को कहा गया है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो जो उनसे जुड़े हैं, सोचिए आप कि मान लीजिए किसी मुस्लिम समाज में किसी के यहाँ शादी हो, उसमें खाली पंडित जी हो, मुस्लिम समाज का दूसरा व्यक्ति ना हो, तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी कि भैया मियाँ जी की यहाँ शादी है, कोई मियाँ जी का पते नहीं। तो हनुमान जी का कार्य है, भोलेनाथ का कार्य है, वहाँ बंदरों का कोई पता नहीं, इससे बढ़ के बेवकूफी और जहालत क्या होगी। अरे बंदर माने हनुमान जी, उन्हीं की है ना सेना है भैया, हनुमान जी की सेना में हम आप तो नहीं लड़े, तो काहे बड़े मंगल पर हमको आपको शरबत हम आप पीते हैं, हमारे आपके बराबर मूर्ख कौन होगा प्रसाद। अरे पहले उनको खिलाओ बंदरों को, प्रसाद प्रसाद क्या है, जो बच जाए वो तो ले लो, लेकिन पहले बंदर। मियाँ जी के शादी में, मियाँ जी के बारात में तमाम मोहम्मदन होना चाहिए, तमाम उनके बिरादरी का आदमी होना चाहिए, लेकिन पता लगा बारात आ रही मियाँ जी के यहाँ और वहाँ खाली पंडित जी, दूसरे कोई जी है ये नहीं है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। तो हमारा बहुत अंधा समाज है, मैं बताते बताते समझाते समझाते मैं हार गया। इन लोगों के साथ मोटरसाइकिल से मैं जाता हूँ, इनके अंदर भाव भक्ति है। शिव मोहन जो कैमरे से काम कर रहा है, उसका मैं डलमऊ में बनाऊंगा जा करके वहाँ पर वीडियो, कितना भक्त आदमी, मेरा रिकॉर्ड है, पूरी रायबरेली जानती है कि मैं कहीं चाय नहीं पीता, लेकिन शिव मोहन के यहाँ चाय मैं पीता हूँ। क्या उसके अंदर प्रेम है, क्या जादू है, मैं नहीं बता सकता। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, तो यहाँ अब इनके सब्जी उब्जी छोंकी जा रही है और अब हम लोग 2 मिनट में डलमऊ के लिए रवाना होंगे। डलमऊ पहुँच के वहाँ भोज होगा, वहाँ एक सफ़ेद बंदर है, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है उसके अंदर, वो हर आदमी नहीं जानता है, उसके भी दर्शन आज होंगे, मंगलवार का दिन है। तो बाकी आगे का हाल वहीं बनाया जाएगा। धन्यवाद।